राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे ये 3 नंबर कान्हा जी की कैप। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 नंबर कान्हा जी की कैप वुलन कैप बनाना बताऊंगी। मैंने पहले 0, 1 और 2 नंबर कान्हा जी की वुलन कैप बनाना बता दिया है, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम 3 नंबर कान्हा जी की ये कैप बनाना सीखेंगे और देखिए फ्रेंड्स, बनाना भी काफी ईजी है। मैं आपको ये बताऊंगी हम किस तरह से 3 नंबर कान्हा जी की ये कैप बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम धागा ले लेंगे और इस तरह से फिंगर के राउंड शेप में ले लेंगे। इसके बीच में से क्रोशिया लेंगे, एक बार धागे को निकालेंगे। अब हम एक चैन बना लेंगे। देखिए मैंने एक चैन बना ली है। अब इसी होल के अंदर हम एक सिंगल क्रोचेट करेंगे, एक बार, फिर से करेंगे 2 बार, फिर से करेंगे 3 बार और फिर से करेंगे 4 बार। देखिए मैंने 4 बार मैंने सिंगल क्रोचेट कर दिया है। अब हम इस वाले धागे को इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और टाइट कर देंगे जिससे कि हमारी ये लूप बनानी है हमने। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, खींच के हमने टाइट कर दिया है और ये जो हमारी पहली चैन है इसके अंदर जाएंगे, जहाँ पे हमने पहला ये सिंगल स्टिच किया है इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहला जो स्टिच है इसके अंदर जाएंगे हम और एक सिंगल स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हमारे ये 4 सिंगल स्टिच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट रो के अंदर एक चैन लेंगे और एक के ऊपर एक एक चैन के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट करने हैं, जिससे कि हमारे पास 4 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। ये एक, फिर इसमें दोबारा से ये 2, तो इस तरह से हमारे ये 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर इस तरह से नेक्स्ट वाले में जाएंगे, फिर 1 फिर 2। इस तरह से हम ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दिया। सेकंड रो में हमारे पास 8 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो के लिए देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक चैन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के अंदर नीचे जहां पे हमने एक बनाया है यहाँ पर एक सिंगल क्रोचेट दोबारा से कर देंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब नेक्स्ट चैन के अंदर 1 सिंगल क्रोचेट, फिर दूसरी चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 1 सिंगल क्रोचेट, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 2 सिंगल क्रोचेट। देखिए इस तरह से हम ये थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। 2, 1, 2, 1, 2, इस तरह से हम ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थर्ड रो कंप्लीट कर लिया 2, 1, 2, 1 करके। तो अब हमारे पास ये 12 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब हम फोर्थ रो में देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चैन बना ली है। इसके बाद हम अब इसमें लूप में दोबारा से 1 सिंगल क्रोचेट करेंगे। तो ये हमारे 2 सिंगल क्रोचेट हो गए। नेक्स्ट चैन में 1, फिर नेक्स्ट चैन में 1 और फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 2। तो इस तरह से अब हमारे पास ये यहाँ पर 16 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। फोर्थ रो के अंदर डबल बनाया है, फिर मैंने सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस तरह से 2 सिंगल बनाने हैं और थर्ड में डबल करना है। इस तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फोर्थ रो कम्प्लीट कर लिया। इसमें हमारे पास 16 सिंगल क्रोचेट हो गए हैं। अब हमें फिफ्थ रो किस तरह से बनानी है, देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो में किस तरह से बनानी है। इस तरह से एक चैन बनानी है और इस तरह से लूप को हर चैन के अंदर 1 सिंगल क्रोचेट करना है। तो 16 के 16 ही सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड्स, हर चैन के अंदर 1 सिंगल क्रोचेट करना है। इस तरह से हमारे फिफ्थ रो में 16 ही क्रोचेट होंगे। इसी तरह से 6th और 7th 3 रो में बनानी है, वो भी 16 16 सिंगल क्रोचेट के साथ। तरह से हमें 3 रो 16 सिंगल क्रोचेट से बनानी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारी रो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से अब हमारी ये सारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो ऊपर की कैप की फ्लिप होती है वो बनाना बताऊंगी, हम किस तरह से वो फ्लिप बनाएंगे। बाकी हमारी ये रोज कंप्लीट है। अब हमें फ्लिप बनानी है, किस तरह से बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी चैन हमें नहीं उठानी, चैन का ये ऊपर वाला धागा है। पहले हम एक चैन लेंगे, फिर ये चैन का ऊपर वाला धागा उठाएंगे और इसमें एक सिंगल स्टिच करेंगे। इसी जगह पर एक और सिंगल स्टिच करेंगे, तो ये हमारे 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर से एक धागे को उठाएंगे 1 बार, फिर से उठाएंगे 2 बार,
फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे एक बार, फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर जाएंगे दो बार। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें एक एक धागा उठाना है और एक सिंगल स्टिच करने हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार और फिर इस तरह से दो बार। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चैन के अंदर हमें दो दो बार सिंगल स्टिच करने हैं, हमें पूरी चैन नहीं उठानी है, एक सिर्फ ऊपर वाला धागा उठाकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लिप की मैंने एक रो इस तरह से कंप्लीट कर ली। अब हम दूसरी रो भी इसी तरह से बनाएंगे। हमें क्या करना है, एक चैन लेनी है और इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स एक सिंगल क्रोचेट करना है। अब हमें एक चैन नहीं उठानी पूरी की पूरी, पहले हमें एक धागा उठाते थे, अब हम पूरी चैन उठाएंगे और हर चैन के अंदर दो दो बार करेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे दो बार, फिर से जाएंगे नेक्स्ट चैन के अंदर करेंगे एक बार, फिर से करेंगे दो बार। इस तरह से हमें सारी चैन के अंदर दो दो बार सिंगल क्रोचेट कर लेने। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको करके कैप पूरी फिनिश करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर दिया। इस तरह से अब हमारी ये तीन नंबर कान्हा जी की कैप रेडी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे तीन नंबर कान्हा जी की कैप है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है और बनाना भी कितना इजी है इस कैप को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।